मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मूला बार. सो ओपन योर बुक एंड लुक एट पेज नंबर 48. सो इन दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फॉर्मूला बार? स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बार डिस्प्लेस द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल. यू कैन ऑल्सो क्लिक इन द फॉर्मूला बार टू एंटर डाटा इन टू एन एक्टिव सेल. वट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला बार? देखिए, फॉर्मूला बार क्या होता है, आप जिस भी सेल में आपका कर्सर होता है, आपको पता है वो सेल क्या होता है, एक्टिव सेल. आप कुछ भी टाइप करते हो वो एक्टिव सेल में टाइप हो जाता है. जो एक्टिव सेल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है वो ब्लैक कलर की होती है, ठीक है ना? तो क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या डिस्प्ले करता है, जो आपका एक्टिव सेल होता है उसके अंदर जो कंटेंट्स होगा, मीन जो आपने डाटा लिखा हुआ होगा, वो आपका फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज फाइल टैब. फाइल टैब किस लिए यूज किया जाता है? आपको कोई भी वर्कशीट को ओपन करना है, न्यू ओपन करना है, या सेव करना है आपको, या प्रिंट करना है वर्कशीट्स को, तो हम फाइल टैब को यूज करते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. यू नो इन एक्सेल देयर इज अ वर्कबुक. वर्कबुक कंटेन्स वर्कशीट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, फॉलो दीज स्टेप्स. आपको अगर एक न्यू वर्कबुक बनानी है तो सेम वही, फाइल में जाओ, न्यू ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन ब्लैंक वर्कबुक, क्लिक ऑन क्रिएट बटन, आपकी एक न्यू वर्कबुक क्रिएट हो जाएगी. इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन. इफ़ यू प्रेस कंट्रोल प्लस एन, देन ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स अ न्यू वर्कबुक. यू नो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी थ्री वर्कशीट्स इन द वर्कबुक. एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट थ्री वर्कशीट्स होती हैं. क्लियर बच्चे? देखो इन दिस वे, फर्स्ट आपने क्लिक किया फाइल पे, न्यू पे, ब्लैंक वर्कबुक पे, एंड क्रिएट पे, आपकी एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी. ओके, बाय डिफॉल्ट ऑलवेज क्या होता है, थ्री वर्कशीट्स. सो नाउ लुक एट पेज नंबर 49. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक पॉइंट्स, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. आफ्टर दैट यू विल मैच फ्रॉम दिस. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. अ वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स. द एक्टिव सेल हैज अ थिक ब्लैक आउटलाइन. द नेम बॉक्स डिस्प्लेज द सेल एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल. यू कैन यूज फाइल टैब टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक. नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डाटा इन ए वर्कशीट. एंटरिंग डाटा के मीन, अब आपकी वर्कशीट ओपन होगी, आपको उसमें डाटा एंटर करना है, तो कैसे करोगे? सिंपली जैसे आप पहले करते हो, हम कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं, बस आपका जो कर्सर होना चाहिए वो उस सेल में होना चाहिए जहां आपको डाटा एंटर करना है. जैसे ही आपका कर्सर वहां पे होगा वो एक्टिव सेल होगा, आप जो भी प्रेस करोगे आपकी फिनिशिंग हो जाएगी टाइपिंग, आप एंटर की प्रेस करोगे आपका वो डाटा वहाँ टाइप हो जाएगा. यू कैन मूव अप डाउन लेफ्ट राइट विद द हेल्प ऑफ टैब की. ठीक है, नेक्स्ट, अब आपका डाटा भी एंटर हो गया. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डाटा, कि जो आप डाटा एंटर कर रहे हो एक्सेल के अंदर, मोस्टली जो डाटा होता है वो टू फॉर्म्स में होता है, या टेक्स्ट या नंबर्स. इसके अंदर क्या होता है, नंबर्स जो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, टेक्स्ट जो आप अल्फाबेटिकली फॉर्म में कुछ भी राइट करते हो, तो इसके अंदर जो टू टाइप्स का डाटा है, इसकी दो बातें क्या हैं, ध्यान से सुनना. आप जितना भी टेक्स्ट टाइप करोगे, ऑलवेज एक्सेल अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितना भी टेक्स्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में टाइप होता है. क्लियर? नेक्स्ट, अगर वो नंबर है, एक्सेल अलाइंस नंबर्स टू द राइट ऑफ द सेल. आपने फॉर एग्जाम्पल आई टाइप योर नेम, तो बाय डिफॉल्ट जो नेम होंगे वो हमारी जो वर्कशीट होगी उसके लेफ्ट साइड में होंगे, और जो नंबर्स होंगे वो राइट साइड में होंगे. क्लियर? तो आफ्टर देन लुक हियर इन दिस टेबल, नेम लेफ्ट साइड में, और ये जो सारे के सारे न्यूमेरिक फॉर्म के किए थे वो इस राइट साइड में. ठीक है, ये सेल का क्या है, राइट साइड. नेम सारे के सारे कहाँ थे, लेफ्ट साइड में. ये होता है टाइप्स ऑफ डेटा. आफ्टर दैट
there is a time to practice, you can do practical of this. Next topic is editing data in a worksheet. आपको वर्कशीट में डाटा एंटर करना है, तो आपने पहले एंटर कर लिया था, वो एंटर में हमने सीख लिया. बट एडिटिंग मीन्स इफ एनी चेंज, अगर आपका डाटा में कुछ भी चेंज हो गया बाद में, मान लो किसी बच्चे के मार्क्स इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, या बाय मिस्टेक हमसे क्या हुआ, कुछ टाइपिंग में बाय मिस्टेक ही हमने उसको रॉन्ग कर दिया था, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एडिट. तो एडिट करने के लिए, हमें डाटा को चेंज करने के लिए फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द सेल बाय क्लिकिंग ऑन इट. जिस भी सेल में आपको डाटा एंटर करना है, आप क्या करोगे, उस सेल को सेलेक्ट करोगे. जैसे ही क्लिक करोगे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट स्टार्ट टाइपिंग द न्यू डाटा. आप न्यू डाटा को टाइपिंग करोगे एंड प्रेस द एंटर की. एंटर की प्रेस करते ही वो आपका जो पहले वाला डाटा था एग्जिस्टिंग, वो रिप्लेस हो जाएगा विद न्यू वन. आफ्टर दैट आप कुछ भी पार्ट को भी चेंज कर सकते हो. टू डू दिस फॉलो दीज स्टेप्स. आप क्या करो, डबल क्लिक ऑन द सेल. जिस भी सेल में डाटा को चेंज करने, वहाँ डबल क्लिक करो. अ कर्सर विल अपीयर इन द सेल. कर्सर आपका सेल में अपीयर हो जाएगा. मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड प्लेस यूजिंग द एरो कीज एंड चेंज द टेक्स्ट. आप एरो कीज से क्या कर सकते हो, अपने कर्सर को मूव कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट. वंस यू एडिट द टेक्स्ट, आपने एडिट कर लिया, देन प्रेस द एंटर की. एंटर की प्रेस करोगे, वो आपका डाटा एडिट हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट ऑप्शन इज अनडू एंड रीडू. अनडू और रीडू क्या होता है, वही मेकिंग, आपने कुछ भी चेंज किया वो एडिट हो रहा, बट बाय मिस्टेक मुझे क्या लगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे थी, तो बाय द अनडू बटन. आप अनडू बटन से क्या कर सकते हो, जो आपने चेंज किया था उसको कैंसिल कर सकते हो. ओके, वो अनडू से, फिर जो आपने अनडू किया था उसका रिवर्स करने, तो रीडू बटन से करेंगे. सो यू कैन यूज द अनडू फीचर बाय क्लिकिंग ऑन द अनडू बटन. आप अनडू बटन पे क्लिक करके अनडू फीचर को यूज कर सकते हो. आफ्टर अनडूइंग अ चेंज, एक्सेल गिव्स द रीड ऑप्शन. आपको जो चेंज किया है आपको वो नहीं करना था, तो आप रीडो बटन का यूज कर सकते हो. बट होता क्या है अनडू एंड रीडो, अनडू मीन्स इफ यू वॉन्ट टू कैंसल, आपने लास्ट जो भी डन किया था उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो आप अनडू बटन को यूज करोगे. रीडो, आपने जो कैंसिल किया था वो आपको नहीं करना था, तो आप रीडो बटन का यूज कर सकते हो. अनडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, एंड रीडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेटिंग इन एक्सेल. कैलकुलेटिंग इन एक्सेल का मीन जो आप मैथमेटिकली ऑपरेशंस करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेटर ब्रैकेट्स आप मैथमेटिकली यूज करते हो. नेक्स्ट ऑर्डर, इट मीन्स पावर. जैसे आप मैथमेटिकली 2 की पावर 3 करते हो वो 8 होता है, वैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल. बट इन एक्सेल ऑलवेज एनी फॉर्मूला, आप कोई भी फॉर्मूला एंटर करते हो, इट स्टार्ट्स विद इक्वल साइन. आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वल साइन पुट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल है टू ऐड टू नंबर्स इन एक्सेल. सबसे पहले आप क्लिक का सेल टू मेक इट एक्टिव, आपने क्लिक किया, टाइप करो इक्वल साइन, उसके बाद फर्स्ट नंबर, फिर आपको एडिशन करना है तो एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का साइन, डिवीजन करना है तो डिवीजन का साइन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड प्रेस एंटर. जो भी आपका आंसर होगा वो आपको उसी सेल में डिस्प्ले हो जाएगा दिस वे. ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर दैट, नाउ कैलकुलेटिंग इन एक्सेल टॉपिक कंप्लीट. आफ्टर दैट लुक एट पेज नंबर 51 इन योर बुक. ऑन दिस पेज देयर इज अ बोर्ड मास कैलकुलेशन. जो भी कैलकुलेशन है ये बोर्ड मास रूल को फॉलो करेगा. आफ्टर दैट जो भी रिजल्ट होगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा. क्लियर. इसके बाद नेक्स्ट पेज है सेविंग अ वर्क बुक, जो मैंने PDF में नहीं लिया क्योंकि ये सेव एग्जिट सभी सेम ही है, तो मैं जस्ट बता देती हूँ, आप अपने बुक के पेज नंबर 51 पे देख लेना. सेव करने के लिए जैसे आप पहले करते हो, फाइल, फाइल टैब में आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा. आपको जो भी अपनी फाइल का नाम देना, एंटर ए फाइल नेम एंड क्लिक ऑन सेव बटन. आपकी जो एक्सेल की फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है,
डॉट एक्स एल एस एक्स, क्लियर। और नेक्स्ट पेज 52, हाउ वी कैन ओपन अ सेव्ड वर्कबुक। सेम अर्लियर, ओपन कैसे करते हैं, फाइल में ओपन का ऑप्शन होता है, आप अपनी फाइल का जो भी नेम है वो दोगे और आपकी वर्कबुक ओपन हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट इज एग्जिटिंग एक्सेल। एग्जिट मीन्स आप एग्जिट कैसे कर सकते हो, फाइल पे जाओ, फाइल टैब में आपके पास ऑप्शन आएगा एग्जिट का, ओके। सो स्टूडेंट्स, टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट डू एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी है, क्लियर। थैंक यू क्लास।